मैगनीफिकेशन ऑफ मिरर उदे विच साडा रिजल्ट यह आया सी एम इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑबजेक्ट विद नैगेटिव साइन एंड इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो एक्चुअली जिहड़ी मैगनीफिकेशन है उहदा आपां फॉर्मूला पहलां की कीता सी, फॉर्मूला कीता सी मैगनीफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑबजेक्ट। इहदा मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, क्लीयर। तो जेकर असी एच डैश अपॉन एच लिखते हैं मैगनीफिकेशन नू तां इत्थे साडे कोले की बन गया, एहदी वैल्यू एच डैश ओवर एच की वैल्यू इत्थे पुट करिए दैन इट विल बी माइनस एम इक्वल टू वी अपॉन यू, ठीक है। सो देयर वाई वी विल गैट एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस मैं इधर लैग। सो इस करके जिहड़ा तुहाडी मैगनीफिकेशन आऊगी जे तुसीं वी ते यू यूज़ कर रहे हो दैन इट विल कम विद नैगेटिव साइन, एंड इफ यू आर यूजिंग हाइट्स हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑबजेक्ट दैन इट विल कम विद पॉजिटिव साइन, क्लीयर। हाँ जी, होर कोई दसो किसी का कोई होर डाउट आ, चलिए अगे। ओके, हुण अज दा जो अपना टॉपिक आ वो हैगा रिफ्रैक्शन। रिफ्लैक्शन आपां कर चुके हैं पर उस तो पहला एक नमेरिकल रिफ्लैक्शन का असी जरूर करना, इट इज़ वैरी इंट्रस्टिंग नमेरिकल ऑफ योर NCERT बुक 9.4 नमेरिकल आ। सपोज वाइल सिटिंग इन ए पार्कड कार, एक कार पार्किंग आपां बैठे हाँ, यू नोटिस ए जॉगर, कोई बंदा जॉगिंग कर रहा आउंदा पिछों, आपां उहनूं साइड व्यू मिरर दे विच्चों दी देख रहे हैं, अप्रोचिंग टवर्ड्स यू इन दी साइड व्यू मिरर ऑफ आर इक्वल टू 2 मीटर। जिहड़ा साइड व्यू मिरर आ कार दा किहड़ा हुंदा जी, कनकेव हुंदा कन्वैक्स हुंदा, कन्वैक्स हुंदा, चाहे अपने मोटरसाइकिल दा मिरर आ साइड व्यू मिरर पिछे नूं देखण वाला, चाहे कार दा चाहे किसी भी चीज़ का, इट इज़ ए कन्वैक्स मिरर। सो नाउ वी आर डूइंग प्रॉब्लम नंबर 9.4 ऑफ NCERT बुक। गिवन की आ मिरर आ जिहड़ा वो की आ कन्वैक्स, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर, इहदा मतलब फोकल लेंथ कितनी आ गई 1 मीटर, ठीक है। उस तो बाद इफ द जॉगर इज़ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सैकेंड, जॉगर की जी स्पीड आ स्पीड ऑफ मैन कह लिख सकते हैं इट इज़ 5 मीटर पर सैकेंड, एक सैकेंड 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता। हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव, क्योंकि आपूँ शीशे के इमेज देख रहे हैं, हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव वैन द जॉगर इज एट ए पॉइंट हैगा 39 मीटर, बी पॉइंट हैगा जी 29, सी हैगा साढ़े को 19 मीटर एंड डी हैगा साढ़े को 9 मीटर। 4 केस दते, आप एक केस सॉल्व करांगे, फर्स्ट वन, 3 देखते हैं भी कितना लगेगा। क्वेश्चन समझ लग गया, कार दे विच आपां बैठे हाँ, कार दे विच बह के आपां साइड व्यू मिरर दे विच दी देखते हाँ भी कोई बंदा जॉगिंग करता आ रहा एंड उहदी स्पीड आपां नूं दित्ती आ 5 मीटर पर सैकेंड, तो वो ये सानूं क्वेश्चन ये पुछदा भी जॉगर जदों 39 मीटर दूर सीगा, ठीक है, की पुछदा तां उहदा इमेज आ जिहड़ा उह किन्नी छेती सानूं अगे नूं आउंदा दिसूगा, मतलब असी असल च जिहड़ा ऑबजेक्ट नेड़े आ रहा तो उहदा इमेज असी देखना वो किन्नी नेड़े सानू स्पीड ते आउंदा दिसूगा, क्योंकि प्लेन मिरर दे विच तां सेम स्पीड दिसूगी, तो जिहड़ा कन्वैक्स मिरर लग्या होया उहदे विच सानू स्पीड आ जिहड़ी उह आपां इत्थे देखांगे कैलकुलेट करके भी किन्नी स्पीड सानू दिखाई देगी। हुण सब तो पहले तो असी उहदी पोजीशन कढ़ीए भी जदों उह 39 मीटर दूर सीगा, मतलब ऑबजेक्ट का डिस्टेंस यू कन्वैक्स मिरर आ, तो इट विल बी लाइक दिस, पॉलिश उहदे पिछले पासे कीती हुई होएगी, तो असी भी इधरों देख रहे हैं तो वह बंदा भी इधरों इधर आ रहा, क्लीयर।
इमेज कित्थे दिसूगा? इधरले पासों ऐ आउंदा दिसूगा वर्चुअल, क्योंकि कन्वैक्स मिरर दे केस दे विच वर्चुअल मिरर ही बनता, वर्चुअल इमेज ही बनता। हुण यू सानू कितना दिता जी पहले केस दे विच 39 मीटर की इहदा साइन पॉजिटिव आएगा जां नैगेटिव यू दा इधरले पासे आ इहदा मतलब क्योंकि इंसीडेंट रे इधर नू जाऊगी पर साइन इधर है इसलिए -39 मीटर उहदी यू होगी। फॉर्मूला वी हैव 1/f = 1/u + 1/v। असी देखना भी उहदी वी किन्नी आएगी, यू सानू दिता होया, फोकल लेंथ सानू पता 1 मीटर मिरर दी, वी सो 1/v किन्ना आ गया जी 1/f - 1/u। सॉल्व करके नीचे आ गया एफ यू, उपर आ गया u - f, सो वी इक्वल टू उल्टा दिए fu/u - f। लो वी इज इक्वल टू fu u - f। वैल्यूज पुट कर दिए, एफ साड़ी पॉजिटिव आ 1 मीटर एंड यू किन्ना है -39 / -39 - 1। ठीक है, क्लियर। सो -39/-40 = 39/40 meters। सो ये साढ़े को वी आ गई। हुण इमेज इधर बनया ताइयो पॉजिटिव आया, सो इहदा मतलब इमेज इधर बन रहा तो नेड़े आ रहा, जदों इधरों इधरों आ सच तो इधरों आ रहा पर इमेज जिहड़ा हो इदा आऊगा। हुण उहदी स्पीड किन्नी आ जी? स्पीड ऑफ द मैन इज 5 meters per second। इहदा मतलब 1 सैकेंड दे विच किन्ने मीटर चलदा? 1 सैकेंड दे विच डिस्टेंस कवर किन्ना करता जी? 5 मीटर्स। जे पहला 39 ते सीगा ता 1 सैकेंड दे विच आफ्टर 1 सैकेंड कित्थे आजूगा? 39 - 34, 5 सबट्रैक्ट कर देंगे जो 34 आ गया। हुण 34 दे उत्ते उहदी वी कढ़ो किन्नी है? सो वैन ही वॉज एट 34 meters दैन वी किन्ना आ गया? सो आफ्टर 1 सैकेंड कढ़न लग्या मैं, आफ्टर 1 सैकेंड उहदी जिहड़ी वी आ उह किन्नी आऊगी? एफ इज़ अगेन 1, यू इज़ नाओ -34/-34 - 1। किन्ना आ गया जी? -34/-35 कैंसल्ड, सो -34/35 meters। इन्ना आ गया। ये सानू दोनों पोजिशन पता लग गई, 1 सैकेंड तो पहला वह 39/40 meters ते सी, 1 सैकेंड बाद 34/35 ते आ गया। मतलब जेकर आ साडा प्रिंसीपल एक्सिस सी तां पहला वह इस पॉइंट ते सी, इट वाज असल दे विच आया पर उहदा इमेज जिहड़ा वह इधरों इधर आया, पहला 39/40 ते हुण वह नेड़े आ गया 34/35। डिस्टेंस कढ़ी आपां किन्ना बणिया, इहनू सबट्रैक्ट करो दोनों नूं v1 ते v2 नूं सबट्रैक्ट करके देखो किन्ना आया। हाँ जी, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सैकेंड, 1 सैकेंड दे विच जिहड़ा डिस्टेंस कवर्ड होगा वह की होगी? उहदी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सैकेंड किन्ना आजूगा? की होगा? उही स्पीड होगी उहदी। सो वो साढ़े इमेज की स्पीड उन्नी आजूगी। सो कैलकुलेट करो ये की डिफरेंस आ, 34/35 - 39/40। सो किन्ना आ गया जी? 34/35 - 39/40। एलसीएम किन्ना आ गया? 1400। ठीक है, करो सॉल्व फटाफट। इतने किन्नी आई वैल्यू? 1360 - 1365। सो इट इज़ -5/1400। सो ये आ गया जी साढ़े को 280। सो विद नैगेटिव साइन, नैगेटिव साइन का मतलब यह है भी यह नेड़े आ रहा होर, क्योंकि दूर जाना सी तो पॉजिटिव, तो इधर आ रहा क्योंकि इंसीडेंट रे इधर आ, ये डिस्टेंस इधर कवर होया। सो इन्ने मीटर पर सैकेंड उहदी की आ गई? स्पीड आ गई। सो स्पीड विल बी पॉजिटिव, सो 1/280
मीटर पर सैकेंड। सो ये आंसर आ गया 439। ये इमेज की, ये इमेज की स्पीड आ, उसकी अपनी स्पीड तो कितनी है 5 मीटर पर सैकेंड। रियलिटी दे विच उसकी स्पीड इतनी है, पर इमेज की स्पीड कितनी है 1/280 मीटर पर सैकेंड। तो इस तरीके 29 वास्ते कढ सकते हो, 19 वास्ते तो 9। सो ये मैं तुहाडे वास्ते लैफ्ट करदा, तुसीं इहनू करके देखियो। इतों बाद हुण आपां रिफ्रैक्शन ते आउंदे हां। जदों भी कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम ते पैंदी है, चाहे वह मीडियम ट्रांसपेरेंट होवे, चाहे वह थोड़ा जिहा ओपेक होवे, चाहे ज़्यादा डेंस होवे, चाहे रेयर होवे, रेयरर होवे, दैन हुंदा की आ एक्चुअली उहदा कुछ पार्ट एवरी टाइम रिफलैक्ट हुंदा ते कुछ पार्ट रीफ्रैक्ट हुंदा। ठीक है, तो सपोज़ कर लीए मेरे कोल इत्थे एक ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब इज़ ए डेंसर मीडियम दैन एयर अराउंड इट, ये आले दुआले हवा, तो ये साडा ग्लास, तो यदा मतलब जिहड़ा जिथे दोनों मीडियम एक दूजे को कट करते हैं, मतलब पहला एयर आ तो फिर उस बाद ग्लास शुरू हो जाता, उसनू असीं कहिंदे आ इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम्स। सो जदों एक रे ऑफ लाइट इस इंटरफेस से इंसीडेंट हुंदी आ, ओबलीक, ओबलीक मतलब किसी एंगल ते टेढ़ी, तो उदों की होएगा जे आ वाली रे इत्थे इंसीडेंट हुई आ, तो इस रे दे विच्चों कुछ परसेंट ऑफ लाइट वापस रिफलैक्ट हो जाएगी एंड द रेस्ट विल बी रिफ्रैक्टेड थ्रू दिस मीडियम। क्लीयर। इस डैमो दे विच तुसी देख सकते हो भी उपरों एक रे ऑफ लाइट आउंदी आ, ते उदे विच्चों कुछ रिफलैक्ट बैक हो रही आ ते कुछ रिफ्रैक्ट हो रही है जो कि नीचे वाले साइड नूं आ रही है। सो इहनूं हुण असीं बोर्ड ते देखिए भी साडी जिहड़ी स्लैब है, ग्लास स्लैब, सो सपोज दिस इज़ ए ग्लास स्लैब, ए रे ऑफ लाइट इज इंसीडेंट ऑन इट एट पॉइंट ओ। इत्थे मैं एक नॉर्मल ड्रा कर लैना जिस तरह आपां रिफ्लैक्शन च कीता सी, उस तरीके नाल ही जिहड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस आई ये साडा नॉर्मल दे नाल बनेगा। हुण इस लाइट दे विच्चों कुछ पार्ट रिफलैक्ट बैक हो जाएगा ते कुछ पार्ट, इहनूं मैं कहूँगा एंगल ऑफ रिफलैक्शन आर, सपोज इहनूं आपां डिफरेंशिएट करन दे लई आर वन कह दिंदे आ, ते कुछ पार्ट इहदा रीफ्रैक्ट हो जाता है इन दी सैकेंड मीडियम। सो इत्थे वाला जिहड़ा एंगल आ दिस विल बी ऑलसो आर, पर इहनू मैं इहदे नाल डिफरेंशिएट करन लई आर टू कह दिंदा। सो दिस इज़ एंगल ऑफ रीफ्रैक्शन एंड दिस रे इज़ कॉल्ड रीफ्रैक्टड रे, रीफ्रैक्टड रे। हुण स्नेल ने इहदे वास्ते भी लॉज सानू दित्ते आ, बट दोज आर डिफरेंट फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन। रिफ्लैक्शन दे विच आपां लॉ पढ़िया सी आई इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन, बराबर हुंदे, बट इत्थे नहीं, इत्थे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसीडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कॉन्सटेंट क्वान्टिटी एंड दिस कॉन्सटेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। की कहने आ? रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ द मीडियम। हुण मीडियम केड़ा किहदे विद रिस्पैक्ट टू, जिहड़ा मीडियम इत्थे सैकेंड है, सैकेंड मीडियम, एदी एब्रीवेशन की ने, जनरली इहनू असी एन दे नाल डिनोट करते हैं।
ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਮੀਡੀਅਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਆ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰੇ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਆ ਫਸਟ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੂੰਗਾ ਸਾਈਨ ਆਈ ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਆਰ ਇਜ਼ ਈਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ 2-1 ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ 2 ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 1 ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਐਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਰੇਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇਹ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਹਰੇਕ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਾਈਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਰ ਦੀ ਸੇਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਸੇ ਕੱਚ ਵਾਸਤੇ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਰੈੱਡ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਹਤੇ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ 2 ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 1 ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਐਨ 2/n1 ਕਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ 2 ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 1 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ 1 ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਤਾ ਯਾਦ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਬੋਥ ਮੀਡੀਅਮਸ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਏਅਰ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਐਨ 1-2 ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨ 2-1 ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਜਾਂ ਏਅਰ ਜੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਜੇ ਏਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਏਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਗਲਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਲਾਸ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਲਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਗਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਸਾਈਨ ਆਈ ਬਟੇ ਸਾਈਨ ਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਐਨ 2-1 ਆ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਨ 2-1 ਕਿਸੇ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਇਫ ਐਨ 2-1 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਫਿਰ ਆਈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਆਰ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲੈੱਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਊਗਾ ਲੈੱਸ ਦੈਨ 1 ਮਤਲਬ 0-1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜੇ 0-1 ਚਲਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਆਈ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਈਨ ਆਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈੱਸ ਦੈਨ ਐਂਗਲ ਆਰ ਕਲੀਅਰ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਆਈ ਲੈੱਸ ਦੈਨ ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਹੀ ਰੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲਾ ਐਂਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਟੀਕਲੀ ਰੇਅਰਰ ਅਤੇ ਆਪਟੀਕਲੀ ਡੈਂਸਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਟੀਕਲੀ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਦੂਜਾ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਟੀਕਲੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਟੀਕਲੀ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ
मास डेंसिटी जिहड़ी तुसीं पहलां छोटी क्लासां तों पढ़ते आ रहे हो वो होर चीज़ आ, ऑप्टिकल डेंसिटी होर चीज़ आ। क्लीयर? एक केस लै लीए पानी ते टरपेंटीन ऑयल दा, जिहनूं तुसीं तार पीन दा तेल कहिंदे आ पंजाबी च, ते दूजा पानी। तार पीन दा तेल पानी तों हल्का हुंदा, इसलिए जदों आपां पानी दे उत्ते जे तार पीन दा तेल मिक्स करिए तां तेल उत्ते आजूगा, पानी है जिहड़ा ओह थल्ले आऊगा। सो तार पीन दा तेल की आ, हल्का है, उहदी मास डेंसिटी घट आ, पर जदों असीं उहनूं ऑप्टिकली डेंसिटी की गल करदे आ उहदी, तां दैन टरपेंटीन ऑयल आ जिहड़ा उहदी ऑप्टिकल डेंसिटी पानी तों ज़्यादा। यस, मतलब जदों असीं ऑप्टिकली डेंसिटी की गल करांगे टरपेंटीन ऑयल की, तो जे पानी दे विचों दी रे ऑफ लाइट टरपेंटीन ऑयल च जाऊगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब टरपेंटीन ऑयल विल एक्ट एज ए डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर, जदों असीं ऑप्टिकली डेंसर की गल करांगे। पर मास डेंसिटी उहदी घट आ पानी तो, इसलिए वह लाइटर आ पानी के उपर फ्लो करता। सो मास डेंसिटी होर चीज़ आ, ऑप्टिकल डेंसिटी होर चीज़ आ। स्लैब वाले केस दे विच रिफ्लैक्शन करन तो पहला एक दो होर इहदियां प्रॉपर्टीज कर लीए, जिमें सपोज करिए इत्थे मेरे को डेंसर मीडियम आ नीचे, सो सपोज दिस इज़ डेंसर मीडियम एंड दिस इज़ रेयरर मीडियम। ए रे ऑफ लाइट इज़ इंसीडेंट ऑन दिस मीडियम, आह मीडियम वन आ जी, आ टू आ, तो इत्थे मैं नॉर्मल बनाऊँगा एंगल ऑफ इंसीडेंस, क्योंकि सैकेंड वन इज डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, सो दिस इज माई आर। सो ये असी हजे स्नैल का पहला लॉ डिस्कस कर रहे हैं, द फस्ट लॉ ऑफ स्नैल दैट साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। इत्थे मैं एक प्लेन मिरर ला दूँ, की होएगा? प्लेन मिरर एट 90 डिग्री एंगल विद द रिफ्रैक्टेड रे, की होएगा? ए रे ऑफ लाइट आ जी वापस मुड़ जूगी अपने पाथ से, इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, सो इधर वापस मुड़ गई, इधर चली जाऊगी अगेन। असी पहला वाली रे के उत्ते स्नेल्स लॉ लाइए, साइन आई अपॉन साइन आर कि बराबर आऊगा जी एन टू वन, ठीक है। हुण मैं जदों ये वापस गई उदों स्नैल्स ला लाउण लग्गिया, हुण वापसी दे उत्ते ये इंसीडेंट रे आ इधरली रिफ्रैक्टेड रे आ, सो दैन आई विल राइट साइन आर अपॉन साइन आई, द एंगल्स विल रिमेन द सेम, इट विल बी इक्वल टू एन वन टू, क्योंकि हुण फस्ट मीडियम जिहदे विच एंगल ऑफ इंसीडेंस आर आ, हुण आह वाला साडा जिहड़ा मीडियम आ सैकेंड इहदे विच एंगल ऑफ इंसीडेंस आ, द एंगल इज़ आर एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज़ हेयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ मीडियम फस्ट विद रिस्पैक्ट टू सैकेंड ये आ जाएगा। इन दोनों मल्टीप्लाई कर दी है, मल्टीप्लाई करिए तो की आएगा साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाइड साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू एन टू वन इन टू एन वन टू। आ देखो जी कट्टे गए, इधर वन आ गया, यदा मतलब एन वन टू मल्टीप्लाई एन टू वन इक्वल टू वन, सो एन टू वन इन टू एन वन टू इक्वल टू वन, यद मतलब एन टू वन आ जोड़ा वह असं लिख सकते हैं वन ओवर एन वन टू, मतलब एन वन टू तो एन टू वन जे रे ने अपना पाथ रीट्रेस किया तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स आ जोड़े वो एक दूजे के रेसीप्रोकल बन गए। असी एन वन टू नू की लिख सकते हैं एन टू वन नू लिख सकते हैं वन ओवर एन वन टू, क्लीयर? वन टू नू टू वन लिख सकते हैं। एक होर इहदी छोटा जी एप्लीकेशन, मान लो साडे कोले दो मीडियम ने, दो दी बजाय तीन मीडियम ने, पहला मीडियम आ दूजा मीडियम तीजा मीडियम थले होर आ जी एक, सो वी हैव थ्री मीडियम्स। एक रे ऑफ लाइट आई इत्थे, मैं नॉर्मल ड्रॉ किया एंगल ऑफ इंसीडेंस बना लिया मैं आई ए टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी, इत्थे मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना लैना आर वन,
अगेन नॉर्मल आ एंगल ये बराबर ही रहेगा बिकॉज दीज आर टू पैरल लाइनज एंड दिस लाइन इज इंटरसैक्टिंग इट सो आर वन तो इतने भी साढ़े को आर वन रहेगा ये अगेन क्योंकि थर्ड मीडियम इज डेंसर दैन सैकेंड सो अगेन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल इतने वाला जोड़ा एंगल आ इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम आर वन सो लैट इट बी आर टू इतने फिर मैं नॉर्मल बना लैंना आ भी आर टू ही होएगा हूँ इतों रे बाहर निकलेगी पैरल टू दिस रे इनू असी कहने एंगल ऑफ एमरजेंस ई एंड इट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ इंसीडेंस ये एंगल ऑफ इंसीडेंस के बराबर ही होंगे इस रे दे पैरल ही यह आएगी सो आप प्रूव करांगे जदों आप स्लैब वाला आर्टिकल करांगे हुण इह करन दा की मतलब आ असी पहले तो स्लैंज ला लाइए इस ते साइन आई अपॉन साइन इत्थे आर वन इक्वल टू किन्ना आएगा जी एन टू वन ठीक है दूसरे इंटरफेस ते स्लैंज ला लाइए साइन आर वन बटे साइन आर टू इक्वल टू एन थ्री टू तीसरे ते लाइए साइन आर टू साइन ई लिखांगे ई की जगह देते असी आई लिख देंगे बिकॉज दीज आर इक्वल इक्वल टू आ हुण फिर फस्ट मीडियम आ गया सो एन वन थ्री तिना मल्टीप्लाई कर दी है तिना मल्टीप्लाई करांगे लैफ्ट हैंड साइड नू लैफ्ट हैंड नाल राइट नू राइट नाल तो साइन आई अपॉन साइन आर वन मल्टीप्लाइड बाय साइन आर वन ओवर साइन आर टू मल्टीप्लाइड बाय साइन आर टू ओवर साइन आई इक्वल टू एन टू वन एन थ्री टू एन वन थ्री साइन आई ना कट्टा गया आर टू नाल आर वन वन रह गया इधर उधरले पासे देखो एन टू वन मल्टीप्लाइड बाय एन थ्री टू मल्टीप्लाइड बाय एन वन थ्री इक्वल टू वन ये चीज़ आ गई इतों सानू की पता लगता जिहड़ा एन वन थ्री है इनू असी इधरले पासे रख लेना आ दोने मैं दूजे पासे लैके जाण लगे सो एन वन थ्री विल बी इक्वल टू वन उधर पहले ही आ ये दोनों चीज़ा थले आ जाएगियाँ एन टू वन एन थ्री टू जिहड़ी पिछे हुणे आइडेंटिटी करके हटे एक वटा एन टू वन किहदे बराबर होगा वन ओवर एन टू वन विल बी इक्वल टू एन वन टू क्योंकि रेसीप्रोकल ने एक दूजे ये हुणे प्रूव करके हटे गुणा वन ओवर एन थ्री टू विल बी एन टू थ्री रिजल्ट की आ गया रिजल्ट आ गया साडा एन वन थ्री है जड़ा वो इक्वल टू होएगा एन वन टू मल्टीप्लाइड बाय एन टू थ्री आ जड़ा टू आ विच ये कॉमन आ गया तो कट्टिया गया देखो एन वन थ्री यदा मतलब जिन्हें मर्जी मीडियम्स दे विच लाइट पास कर जाए रिफ्रैक्टिव इंडैक्स केड़ा काउंट होगा जिथों रे आई है तो जिहड़ा एंड वाला मीडियम उन्हां दोनों का तो जे हुण इहनूं मैं एन वन थ्री लिखा तो यदा मतलब आ जिने भी मीडियम सीगे जिन्हां दे विचों दी राइट क्रॉस करके लंघी आ एन वन टू एन टू थ्री ये बराबर एन वन थ्री के बराबर आ गया एन वन थ्री मतलब रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ मीडियम थ्री विद रिस्पैक्ट टू फस्ट क्लीयर फस्ट का विद रिस्पैक्ट टू थ्री यस सो मतलब पहले तो तीजे का ही काउंट होना जे एन नंबर ऑफ मीडियम्स हो फिर पहले का तो एंथ का ही कंसिडर होना लास्ट वाले का सो ये नमेरिकल्स के पेपर आ क्वेश्चन आ सकता भी यह इन्ने मीडियम दिते हुए तो वो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स फलाने का यदा इन्ना फलाने का इन्ना तो क्ढना होगा एंड वाले का तो कोई भी क्ढना उ यूजफुल होगा हुण आईए असी स्लैब वाला साडा आर्टिकल आते स्लैब के जदों
रे ऑफ लाइट पास होंगी है तो उसदे विच जिहड़ी रे ऑफ लाइट आ वह डिसप्लेस कर जाती है, शिफ्ट कर जाती है। जे आ वाली साड़ी स्लैब आ, ग्लास स्लैब आ, जिस तरह की मैं तुहानूं हुणे दिखा के हटिया, सो इहनूं थोड़ा जिहा 3D च बना लीए। इत्थे असीं रे ऑफ लाइट इंसीडेंट करते हाँ, सो दिस इज़ ग्लास स्लैब, ग्लास हैगा यह, तो यदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स असीं मान लैने सैकेंड N2, तो बाहरले पासे साढ़े कोले फस्ट मीडियम आ उहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स N1। कंसीडर कर लिए एक रे ऑफ लाइट साढ़े कोले इत्थे इंसीडेंट कर गई। जेकर यह स्लैब इत्थे ना पई होंगी, इफ दिस स्लैब वॉज एबसेंट, की होना सी, ये रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी इदा लंघ जानी सी, अनडिफलैक्टड लंघ जानी सी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे विच। पर हुण स्लैब इत्थे पई आ, जे स्लैब पई आ तां इत्थे रिफ्रैक्शन होएगी, वी विल मेक ए नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसीडेंस बन गया जी, क्योंकि सैकेंड मीडियम ग्लास आ, बाहर एयर आ, सो दिस इज़ ए डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम होने करके रे ऑफ लाइट बेंड कर देगी टुवर्ड्स नॉर्मल, सो टुवर्ड्स नॉर्मल यह रे साड़ी बेंड कर गई इत्थे तक। इतों बाद इत्थे अगेन फिर असी नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो इतों यह बाहर निकल जाती है पैरलर टू दी ओरिजिनल रे। जिहड़ी रे साडी इस जगह तो लंघ जानी सी, वो स्लैब की प्रेजेंस होण करके इधर नूं शिफ्ट हो गई, शिफ्ट किन्नी हो गई, इन्नी। सो दिस इज़ कॉल्ड लेटरल डिसप्लेसमेंट, इहनूं असीं डी कह दिंदे आ, लेट इट बी डी। सपोज कर लीए थिकनेस ऑफ द स्लैब आ जिहड़ी साडी, इट इज़ टी, सपोज कर लीए टी इज़ द थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो आह वाला जो मेरा नॉर्मल है, इनू मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लैंना, नीचे तक बना लैंना, सो दैट मैनू इत्थे एक राइट एंगल ट्रैंगल मिल जाए। क्लीयर? सो इत्थे एंगल ऑफ इंसीडेंस सीगा, इत्थे की आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इत्थे मेरे को आ जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस, विच विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसीडेंस अगेन। क्लीयर? असी रिलेशन फाइंड करना भी डी किन्नी होएगी, जिहड़ी ये डिस्प्ले शिफ्ट हुई आ, लेटरल शिफ्ट हो गई है, किन्नी होएगी, किहड़े मटीरियल वास्ते डिपेंड करती है, किहड़ी किहड़ी चीज़ ते डिपेंड करती है, वो करना। सो इहनूं बिल्कुल भी रट्टा लाउण दी लोड़ नहीं, सिर्फ दो तीन चीज़ां असी देखणियां सी, रिलेशन कहदा कढ़णा, किहड़ी किहड़ी चीज़ सानूं पता, असी थिकनेस स्लैब दी मिण सकदे आ। जे आ साडी स्लैब सीगी तां जे मान लो उन्हें इदा रख लीए ए वागू, तो इतों साड़ी रे एंटर हुई है तो इधरों निकल गई, असी थिकनैस स्केल दे नाल मिण सकते हैं भी यदि जी डैप्थ आ वो किन्नी है। क्लीयर? तो दूजा सानू पता भी मटीरियल केड़ा, तो यदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स किन्ना। सो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स, थिकनैस, तो एंगल ऑफ इंसीडेंस, ये चीज़ा सानू पता हो सकदियां ने। तो इन्हां दी इन्हां दे विच ही असीं ये रिजल्ट फाइंड करके कोशिश करांगे। जेकर थिकनेस टी आ तो इहदा मतलब आ जिहड़ा साडा नॉर्मल आ इन साइड दी स्लैब, इहदी लेंथ भी टी होगी जी। क्लीयर? तो डी असीं रिलेशन कढ़ना, टी सानू पता है इत्थे साडे कोले आ रहा, तो रिफ्रैक्शन हो रही आ, तो इहदा मतलब स्नेल्स लॉ असीं लगा सकते हैं। जे स्नेल्स लगा असी लगा सकते हैं तो साइन आई बटे साइन आर वो कि बराबर आएगा N21, तो N21 साढ़े को आ गया जी, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पैक्ट टू 1। क्लीयर? हुण इतों असी साइन आई
देखिए किन्ना बनता। जे ध्यान देखो तो एंगल ऑफ इंसीडेंस एक आह रे आ एक आ लाइन आ नॉर्मल एक आ रे आ ये बनता। ये सीधिया किधर नू जांदियां आ इधर नू चली गई नॉर्मल थले आ गया। इहदा मतलब आ सारा एंगल साडे कोल किन्ना हो गया जी आई आ समझ लगी। आई एंगल किहड़ियां दो लाइनां च बनता एक तो रे ऑफ लाइट आ जिहड़ी इधर नू सीधी जा रही आ आ क्लीयर दूजा नॉर्मल आ जिहड़ा इधर नू आ रहा। तो जे इधरले पासे एंगल आई आ तो इहदा अल्टरनेट अपोजिट एंगल आ बन गया आई। इहदा मतलब जिहड़ा आ वाला एंगल रह गया ये किन्ना रह गया आई माइनस आर क्लीयर ठीक है जी। हुण जिहड़ी राइट एंगल ट्रैंगल हैगी आ इत्थे मैं पॉइंट रख लैना ए आ वाला पॉइंट रख लैना मैं बी ते इत्थे रख लैना मैं सी। सो दिस पॉइंट इज सी। इस पॉइंट नूं मैं कह दिंदा ई। राइट एंगल ट्रैंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रैंगल ए बी सी दे विच एंगल आर हैगा जी इत्थे ठीक है। इहदा मतलब इहदा बेस हो गया जिहड़ा ए बी इहदा बेस आ बी सी इहदा परपेंडिकुलर आ ते ए सी इहदा हाइपोटेन्यूज। आपां नूं चाहीदा की आ इहदे विच सानूं टी चाहीदा। इहदा मतलब बेस मिल जाए तां बहुत वधिया गल। बेस ते हाइपोटेन्यूज कॉमन साइड आ दोनों ट्रैंगलों की ए सी ठीक है। बेस ते हाइपोटेन्यूज कि टी रेशो होंगी है साइन कॉस या टैन कॉस। यदा मतलब असं इतने कॉस कट लीए। सो कॉस आर बराबर कि आ गया जी बेस हैगा साडा टी ते कॉमन साइड आ गई ए सी क्लीयर। हुण इस ट्रैंगल चा जो जिहड़ी दूजी राइट एंगल ट्रैंगल आ इत्थे भी राइट एंगल बनता क्योंकि डी इज़ दी परपेंडिकुलर फ्रॉम ई टू सी। इहदे विच हैगा आई माइनस आर। सानू पर साइडां किहड़ियां चाहीदियां एक तो डी आना चाहिए विच। डी की आ परपेंडिकुलर आ बेस आ एंगल इत्थे आ सो इट इज़ ए परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर दूजी कॉमन साइड विच आ गई परपेंडिकुलर ते हाइपोटेन्यूज साइन। इहदा मतलब असी साइन आई माइनस आर लवेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू डी अपॉन ए सी। ए सी दोनों कॉमन आ गया दोनों इक्वेशन। सो ए सी की वैल्यू कढ़ी है पहली चो ए सी की वैल्यू कि आ गई ए सी इक्वल टू टी ओवर कॉस आर। दूजी चो ए सी की वैल्यू कि आ गई डी अपॉन साइन आई माइनस आर। आ भी ए सी आ भी ए सी है दोनों बराबर कर दिए। जे बराबर कर दिए तो डी अपॉन साइन आई माइनस आर बराबर आ गया टी अपॉन कॉस आर। इतों डी कट दी बस। सो डी कि आ गया टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। लो जी देखो डी कि चीज़ पर डिपेंड कर रहा डी डिपेंड कर रहा टी ते डायरैक्टली प्रपोर्शनल। जिनी ग्लास स्लैब की थिकनैस होएगी जिन्ना रे ऑफ लाइट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इन सैकेंड मीडियम उन्ना डी ज़्यादा होएगा मतलब उन्नी ज़्यादा शिफ्ट बढ़ जाएगी। सैकेंडली साइन आई माइनस आर। आई माइनस आर का मतलब की है आ वाला एंगल जिन्ना ज़्यादा होएगा ये वाला एंगल कि डिपेंड करता जिन्ना साडा आई ज़्यादा होएगा। जिन्ना आई ज़्यादा होएगा उन्ना ही आई माइनस आर ज़्यादा होएगा। सो इहदा मतलब लेटरल शिफ्ट आ जिहड़ी वो डिपेंड कहते करती है एक तो एंगल ऑफ इंसीडेंस ते दूसरा थिकनेस ऑफ द स्लैब एंड आई माइनस आर तां भी ज़्यादा होएगा जे रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ सैकेंड मीडियम ज़्यादा होएगा। सो ये तीन चीज़ों के उत्ते साडी लेटरल शिफ्ट डिपेंड करती आ टी ते आई ते एंड एन ते क्लीयर। सो ये अपना सीगा लेटरल शिफ्ट ते इहदे नाल ही तुसी एक करके देख सकते हो अपने आप जेकर आप एक ग्लास दे विच पानी पा लीए
इत्थे तक पानी नाल भर लिया तो ये पेंसिल आपां डिप करते हैं तो वह पेंसिल आपां नूं विंगी हुई नज़र आउंदी है, मुड़ी हुई नज़र आउंदी है। ठीक है, सो ये तुसीं करके देखियो इहदे वास्ते। तो जां एक चीज़ होर आ वी जेकर असी एक कंटेनर दे विच पानी पा लैंदे आ, वाटर इज़ ए डेंसर मीडियम दैन एयर, इहदे नीचे असी एक कॉइन रख दीए तो असी जदों इहनूं उपरों देखांगे तो सानूं ये डूंघा ही दिसूगा, पर जे असी इहनूं साइड तों देखदे आ तां ये सानूं इत्थे नहीं दिसूगा, ये सानूं उपर उठाया होया नज़र आउंदा। रीयल डैप्थ इहदी होर आ, अपरेंट डैप्थ होर। सो ये तुसीं करके देखियो, अदरवाइज़ फिर आपां नैक्सट लैक्चर च उहनूं डिस्कस कर लाँगे। सो अज्ज दे लैक्चर च इन्ना ही करदे आ। सो मैनूं उम्मीद आ तुहानूं समझ लग गया होऊ। कोई चीज़ पुछणी आ, क्वेश्चन कोई, चलो कल नूं देख लाँगे। जे कोई क्वेश्चन होया वी विल टेक अप टुमारो।